प्रिय भक्तों, जय श्री राम। स्वामी राम सुखदास जी के उपदेश से गीता प्रेस गोरखपुर कल्याण पत्रिका से। स्वामी राम सुखदास जी कहते हैं, परमात्मा सबके भीतर है। ये बहुत ऊंचे दर्जे की वस्तु है। उतना ना समझ सकें तो इतना समझ लें कि हम सब परमात्मा के हैं। ये सुगमता से समझने में आ जाएगा कि ये जितने प्राणी हैं सब परमात्मा के हैं। परमात्मा के हैं तो ऐसे क्यों हो गए? अधिक लाड़ प्यार करने से बालक बिगड़ जाता है। ये परमात्मा के लाडले बालक हैं इसलिए बिगड़ गए, पर बिगड़ने पर भी परमात्मा के। अतः इन्हें परमात्मा के समझकर ही उनके साथ यथा योग व्यवहार बर्ताव करना चाहिए, सबसे प्रेम करना चाहिए। भगवान जी प्रेम के भूखे हैं। जैसे हमारा कोई प्यारा से प्यारा भाई हो और उसे प्लेग हो जाए तो प्लेग से परहेज रखते लेकिन भाई की सेवा करते हैं। जिसकी सेवा करते वह तो प्रिय है पर रोग अप्रिय है। स्वामी राम सुखदास जी का कहना है, भगवान सबके सुलत हैं, सुलत सर्व होता ना। ऐसे ही संतों के लिए आया है कि संपूर्ण प्राणियों के सर्वत्र हमको प्रेम में संबंधियों से क्या हमारे अनुकूल काम कर रहे हैं या प्रतिकूल काम कर रहे हैं, इन सब बातों को नहीं देखना है। हमें बस ये देखना है कि हमारे द्वारा दूसरों का हित कैसे हो और सबके साथ प्रेम यथा योग व्यवहार करने चाहिए। किसी की दोष देखने का हमारा अधिकार नहीं है। जैसे नाटक में एक मेघनाद बन गया और एक लक्ष्मण बन गया, दोनों एक ही कंपनी के हैं, पर नाटक के समय कहते मैं तुझे मार दूंगा, आजा मेरे सामने समाप्त कर दूंगा। वे अस्त्र शस्त्र भी चलाते हैं, परंतु क्या भीतर से उनमें बैर है? नाटक के बाद भी वे एक साथ रहते हैं, खाते पीते हैं, क्योंकि उनके हृदय में बैर नहीं है। संतों के लिए कहा गया है कि संतों की गति रामदास, जग से लखी न जाए, बाहर तो संसार सा भीतर उल्टा था। संत दिखने में आपको संसारी लगते हैं लेकिन अंदर से उनका हृदय बिल्कुल खाली होता है और उनके हृदय में परमात्मा का वास यानी कि उनका जाप निरंतर चलता रहता है। ऐसे हमारे स्वामी राम सुखदास जी का कहना है कि भीतर से किसी से द्वेष मत रखो, हृदय से संत सबका हित चाहते हैं। और लेकिन हमारी दृष्टि ऐसे कैसे हो? तो एक बात में आप दृढ़ हो जाए कि मैं तो साधक हूँ, परमात्मा तत्व का जिज्ञासु हूँ, और ये बात दृढ़ रहे कि सब में परमात्मा है। सब में परमात्मा को कैसे देखें, इस बात को थोड़ा ध्यान से सुने। मनुष्य इसमें जो है पना है, सत्ता है, वे कभी मिटती नहीं। वे भला हो बुरा हो, दुराचारी हो सदाचारी हो, ये मैं मेरा ये मिटता नहीं। बढ़िया से बढ़िया वस्तुओं में भी मैं पना, कूड़ा करकट में भी मैं पना, सब वस्तुओं का रूप बदल जाता है।